तो आज मैं आपको जा रहा हूँ, स्पेशली इसलिए जा रहा हूँ, मैं आज लगा आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने काइट्स की कितनी कितनी शॉपिंग की, क्या क्या लिया, कितने गट्टू लिए, कितना बिल आया। मैं आपको वो सारा डिटेल दे दूंगा आज। तो आई होप कि क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो डाली हुई है उसमें काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने कितने की काइट्स ली, मतलब जो सबसे लंबी वाली काइट है वो कितनी है। मैंने शायद एग्जैक्ट उसको नापा नहीं था, मेरे हिसाब से 5.5 फीट थी, तो किसी ने कहा कि मुझे उससे सस्ती मिली है, तो ऑब्वियस है कि मुझे दुकानदार ने फिर थोड़ी सी महंगी दी। तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, मैं क्या क्या लेके आया, कहाँ कितना बिल था मेरा, कहाँ से लेके आया, कितना टोटल ओवरऑल बना। कुछ लोग जानीपुर से हैं, कुछ लोग पकड़ंगा से हैं, मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे और काफ़ी लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता था कि ये हम लोग अकेले ही हैं जो राखी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, मुझे लगा था, क्योंकि मैं कभी किसी से मिला नहीं जो इतना ज़्यादा, क्योंकि ये एक ही भाई है मेरा, ये भी एक्साइटेड है, एक मेरा भाई है तालाब तिलो रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था काइट्स के लिए। हम पूरी पूरी रात सोते नहीं थे, तो मुझे लगता है हम अकेले थे, पर ऐसा नहीं है। ये जम्मू का फेस्टिवल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए। काफ़ी लोगों ने एक पता नहीं जानीपुर से कमेंट भी आया था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने पता नहीं कुछ अमाउंट, मतलब अच्छी खासी अमाउंट खर्चते हैं वो हर साल ये जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। और जो हमने सबसे बड़ी वाली काइट आया वो रात को, मैं स्पेशली दिन के टाइम तो मैं गया था काइट्स लेने, पर जो बड़ी वाली काइट है उनको मैं रात को लाया था। तो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बाइक अभी चला रहा हूँ तो बाइक बिल्कुल 10, 5, 8 की स्पीड में, सिर्फ फर्स्ट गियर में बुलेट चला के मैं घर तक अपनी बड़ी वाली काइट्स लेके गया था, दो। और हमने पिछले साल की भी थोड़ी सी काइट्स बचाई हुई हैं, तो वो भी हमारे यूज़ में आएंगी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वो भी काफ़ी बड़ी काइट थी जब हम पिछली बार लाए थे। तो काइट फेस्टिवल तो मुझे लग रहा है कि ये जम्मू का, मतलब मैक्सिमम लड़कों का फेवरेट है, क्योंकि जिस हिसाब से कमेंट आए हैं मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मैं सोचा था कि हम ही हैं सिर्फ ये पागल जो इस त्यौहार के पीछे पागल होते हैं, गर्मी में वो ये सब करते हैं, पर लोग ना, लोगों का लेवल और भी ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छा लगा यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ इस त्यौहार के लिए। और जब लोगों को देखा ना कि हर जगह से कमेंट्स आ रहे हैं कि हम लोग भी ऐसे ही काइट्स उड़ाते हैं, तो अच्छा लगा अंदर से कि मुझे नहीं पता था कि जम्मू में, मतलब सारे लोग ऐसे एक्साइटेड होते हैं। तो अभी तो काइट्स भी महंगी हो गई हुई हैं, जैसे जो पहला टाइम था, जो अभी 10 या 15 रुपीज़ की जो काइट मिलती है वो हमें 5 रुपीज़ में मिल जाती थी, उतना साइज़। या ये हो सकता है कि मैं ज़्यादा छोटा था, मुझे ऐसा लगता था, पर इतना पक्का है कि जो 5 वाली थी वो 10 की तो होगी होगी। अब काइट्स महंगी हो गई हैं, जैसे चरखड़ी, चरखड़ी और पिन्ना, इन दोनों में से मेरा चरखड़ी फेवरेट था। और मेरा जो लपेटने का, एक राजस्थान से भैया आए थे, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत अच्छी काइट्स उड़ाते हैं वो, क्योंकि राजस्थान से भी माल आता है यहाँ पे, तो उनकी जो डोर लपेटने का तरीका था वो एक रील ज़्यादा नहीं तो 5 5 मिनट में लपेट देते थे वो हाथों से अपने, तो उनसे मैंने सीखा था ऐसे ऐसे करके, बड़ा ज़बरदस्त तरीका था। पर अब तो गट्टू आ गए हुए हैं, तो आई होप कि हम लोग आस्ता आस्ता ये गट्टू ख़त्म करके, क्या पता, पर ये कि गट्टू मजबूत होता है, जो सबसे बड़ी वाली काइट होती है हम वो बहुत आराम से उड़ा लेते हैं, इसलिए उड़ा पाते हैं, क्योंकि गट्टू ज़्यादा, जो स्ट्रेच वाला गट्टू होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे हिसाब से पावरफुल होता है, और उसको गुंजल पड़ भी जाए तो उसको करासे नहीं पड़ते हैं। करासे तो आप समझ ही गए होंगे, साढ़े जड़े अपने हैं निदर दे होने तो समझ आइए होना कि आखा होना है, बाकी जड़े बाहर दे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। करासे हो गया जब आपका डोर का गुंजल पड़ता है ना, जब ऐसा गुच्छा जैसा बन जाता है, जब आप निकालने की कोशिश करते हो, डोर सीधी करते हो, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं हम लोग की गुंजल पड़ गया हुआ है अब। और मेन प्रॉब्लम तब आती है जब जब पेचा डल गया हो, ये लूटने का भी बड़ा क्रेज़ होता है काइट को, जिसकी अच्छी काइट है उसको लूटने का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो अभी तो मैं पहुंच गया हूँ, तो अभी आपको 2-4 सेकंड में फिर से कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली आप
आप लोगों की टाइट मोटिवेशन देख के और जो वीडियो पे जैसे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उन सबको देख के मैंने फैसला किया कि मैं पूरा आपको बताऊंगा कि हमने कौन कौन सी काइट्स रखी है, आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ क्या क्या लाया है। थोड़ी सी पुरानी काइट्स भी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। और एट द एंड में वीडियो में एक कॉम्पिटिशन बताऊँगा, वो हम रखेंगे रक्षाबंधन के लिए। स्पेशली मेरे को आइडिया आया कि रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सही सी काइट्स लाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो हम एक कॉम्पिटिशन रखेंगे इंस्टाग्राम पर, वो मैं आपको एंड में बता देता हूँ। तो अभी आपको बैक कैमरा से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा काइट्स। तो ये रही जो हमारी काइट्स हैं कमरे में, ये मेरे हिसाब से मैंने 5.5 फुट बोला था, मुझे लग रहा है 6 फीट ही है क्योंकि मैं कमरे के कितनी दूर हूँ। और ये कुछ हमारी पुरानी काइट्स भी हैं। तो बड़ी बड़ी काइट्स आपको मैं एंड में दिखाता हूँ। तो जो मेनली मेरे को डिज़ाइन, ये जो स्टार वाला डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये डिज़ाइन। इसके बाद ये इसमें चार गोले बोला था उन्होंने, ये भी स्टार है बड़ा वाला, वो उसको पता नहीं कुछ छतरी, अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना। ये जो येलो कलर में है ना, इसको क्या बोलते थे, अम्ब्रेला डिज़ाइन ऐसा कुछ था, ये डब्बे वाला डिज़ाइन। तो ये हमारी काइट्स हैं। हमने टोटल शायद हमारे पास काइट्स होंगी ये 46 या 47 जो हम नई लेके आए हुए हैं, और इनकी हमें टोटल कॉस्टिंग जो पड़ी थी वो पड़ी थी 2500। तो फाइनली जो ये पीछे वाली काइट दिख रही है, बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो हमारी टोटल काइट्स हैं वो हमें पड़ी 2500 की, जो हमने नई वाली लाई हैं। तो जो हमारी पिछली काइट्स हैं वो मैं आपको अभी बाहर निकाल के बताता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो गया। आपका तो पता ही, अगर आप जम्मू से देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। पर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं रक्षाबंधन के दिन, ऐसे हम बाहर नहीं निकलते हैं पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बाहर जाके मिलता हूँ। फाइनली अगर आपको ये दिख रही हो, ये रही, ये हमारी पिछले साल की काइट्स हैं जो पिछले साल बच गई थी, बड़ी वाली काइट्स। ये इस साल वाली है, ये ब्लैक वाला भी पिछले साल का है, और इनमें से एक था जो हमने एंड में सारी काइट्स काटने के बाद बच गया था, वो वापस लाया था वहाँ से उड़ा के। तो ये रही जिसको, ये 6 फुट की है एग्जैक्ट, तो मैंने 5.5 फुट बोली थी पर ये 6 फुट है। और ये मेरा फेवरेट है ये वाला, और ये बहुत ज़्यादा लिफू है ये वाली काइट, ये भी पिछले साल की है। तो ये रही हमारी जो कलेक्शन है, अभी आपको फ्रंट कैमरा से मिलता हूँ। तो फाइनली आपको सारी काइट्स मैंने दिखा दी हुई हैं। ये रही जो बड़ी वाली काइट्स हैं, ये वाली, ये हमारी पिछले साल की काइट्स हैं, अभी तक बची हुई हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि हम हर साल हमारा रिवाज था फाड़ने वाला, पर हम अब बचा रहे हैं क्योंकि काइट्स बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो अब बचाना अच्छी बात है। तो ये आ गई सारी काइट्स। तो अब लास्ट में हम लोग एक काइट उड़ाते हैं आज, क्योंकि काफ़ी काइट्स उड़ रही हैं, कैमरा में थोड़ा छोटा दिखता है पर काफ़ी काइट्स उड़ रही हैं, उड़ाते हैं। तो उसके बाद हम, आप जो लास्ट में जो कंपटीशन की बात हो रही थी, और मैं और मेरे भाई जो अभी आपने देखे उसके साथ प्लान किया हमने कि हम जो फर्स्ट आएगा उसको 100 रुपीज़ पेटीएम, तो जितना हम कर सकते हैं, और जो सेकंड आएगा उसको 50 रुपीज़ पेटीएम या गूगल पे, कुछ भी जो भी उनका अवेलेबल होगा हम वो कर देंगे। करेंगे इस चीज़ के लिए, हमारा भाई आपके मिलके हम दोनों बताते हैं किस चीज़ के लिए, कि किसकी काइट्स अच्छी दिखने में अच्छी, जैसे हमने ये वाली कलेक्शन की हुई है काइट्स की, आप लोग भी अपनी जो कलेक्शन होगी आप लोगों ने हमें बताना है कि आपने कौन कौन सी कलेक्शन वाली, मतलब जैसे अलग अलग डिज़ाइन की, सबसे सही वाली डिज़ाइन की कौन कौन सी काइट्स आपने ला के उड़ाई हैं। तो इसके लिए मैं आपको इंस्टाग्राम नीचे, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो हम कोई हैशटैग बना लेंगे जिस पे आप वो सारा सेंड करोगे। अब हमारी कल है रक्षाबंधन, तो ये आज व्लॉग आपको शाम को मिल जाएगा जल्दी से जल्दी, तो अपनी कलेक्शन ज़रूर हम लोगों को बताना। और इसके बाद हम लोग ऊपर काइट उड़ाते हैं, आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूँ मैं उसके बाद। फाइनली